हैदराबाद में बदलते परिवेश में युवाओं की भूमिका को लेकर ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र रामनगर ईडर रोड पर सकारात्मक जीवन शैली परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने विकारों को दूर देश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। माउंट आबू से आए बीके हेमंत कुमार ने कहा कि युवा मानसिक विकारों में उलझता जा रहा है। आत्मा कमजोर होने से युवा गलत संगत में पड़ता जा रहा है। युवा सशक्त समाज की नींव है। आरएसएस के राजीव दुबे ने कहा कि भारत निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका रहती है, इसलिए युवाओं को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आचार्य मुकेश त्रिपाठी ने कहा कि ज्ञान व्यक्ति को महान बनाने का काम करता है। आंतरिक ज्ञान व्यक्ति के कल्याण में सहायक होता है। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष दिलीप गौर ने काव्य पाठ के जरिए देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। एबीवीपी के रवि सक्सेना और मोहित कौशिक ने हिंदुत्व के साथ ही देश के विकास में युवाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। सेवा केंद्र प्रभारी विजय बहन ने कहा कि सशक्त युवा से सशक्त देश का निर्माण होता है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ राजपूत ने ज्ञान और विज्ञान के अंतर को बताया। पूजा बहन ने मेडिटेशन करा आत्मा को मजबूत बनाने के बारे में बताया। अनामिका बहन ने युवा जानू समय की कीमत कविता सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में मशाल जलाकर युवाओं को विकार दूर करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर राधिका तनु पूजा बहन उज्ज्वली बहन आदि मौजूद रहे। टूला से ब्रजपाल सिंह परमार की रिपोर्ट SKH न्यूज। जो चित्तौड़ का घराना है उस चित्तौड़ के घराने की पुत्र वधु ने और एक ऐसे वर्ग से आने वाले श्री रैदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब हमारे यहाँ सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भावना थी। ये कुछ आक्रांता बीच में जो आए उन आक्रांताओं ने हमारे अंदर जो भूख का बीज बोया जिसके कारण हम लोगों की आज ये विकृति और ये मनोदशा जो हो गई है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो हम लोग आपस में न भटके। मैं बहुत कम शब्दों में इतना ही कहूंगा क्योंकि मैं श्री डॉक्टर हेडगेवाल जी के द्वारा चलाए हुए एक संगठन का यहाँ प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हम सबका लक्ष्य है करते हुए, और मैं उसमें केवल हिंदू नहीं, मैं कहता हूँ मानव मात्र अकेले हिंदू से हम सुधर नहीं सकते, क्योंकि हम कहेंगे हिंदू को और हमारी सरकार कहेंगे हिंदू, और सरकार भी हमारे द्वारा ही बनाई हुई है, और हम फिर उस बात की लड़ाई करें। लोग वैसे व्यंग मारते हैं पूरे दिन के संग जो चाहता है वही भाजपा करती है, और फिर भी भाजपा कुछ करती नहीं, इसलिए वो राजनीतिक विषय में जाना नहीं चाहता। केवल इसलिए आप लोग आए हैं, करबद्ध प्रार्थना यही है कि जिस प्रकार बिन पानी भोजन बिना ये उधर मचा दे क्रांति, समय आ गया तो ये हल्ला मचा रहा हो अभी तक से, जो मिलेगा सबको भस्म कर देगा जला के, जठराग्नि प्रज्वलित है। इसी प्रकार बिन पानी भोजन मचा दे क्रांति, ऐसे बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। मन की शांति जरूरी है, अनिवार्य है। जिस प्रकार पेट की भूख बुझाने के लिए रोज खुराक चाहिए, उसी प्रकार इस मन चित्त बुद्धि और अहंकार रूपी जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर को भी रोज तृप्त करने की खुराक चाहिए। ऊपर की खुराक रोज मिलेगी, भीतर की खुराक रोज नहीं मिलेगी, तो जिसको रोज खुराक मिल रही है वो बलशाली हो जाएगा और जिसको खुराक नहीं मिल रही वो कमजोर बना रहेगा। तो हमेशा कमजोरों के ऊपर बलशालियों ने शासन किया है, तो हम इस शरीर का शासन आत्मा पर नहीं कराएं। उसका एक ही लक्ष्य है कि आत्मा की खुराक नित्य रहे, और जिसकी आत्मा बलशाली है वह ठोकर मार देती है शरीर की इंद्रियों को